हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएमएल ब्रॉक। आज मैं आपके सामने सैमसंग गैलेक्सी A5 2016 सेट लेकर हाज़िर हुआ हूं। आज आप इसमें देख सकेंगे कि इसका गूगल वेरिफिकेशन कोड किस तरह बाईपास किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट किया, जैसा कि अल ब्रॉक मोबाइल के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया, आप देख रहे हैं। कनेक्ट दबाया, नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट, एग्री, और ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट दिस डिवाइस फॉर रीसेट टू कंटिन्यू फाइनली द गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली क्रिएटेड ऑन दिस डिवाइस। तो चलिए सबसे पहले इसमें कोई भी एक्टिव सिम डालिए और सिम डालने के बाद आप अपने सेट को एक बार फिर से रिस्टार्ट करने से ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए मैंने सिम डाली और इसके बाद अपने मोबाइल को सिंपली USB डेटा केबल की मदद से अपने मोबाइल के साथ आप अटैच कर लीजिए। जैसा कि आपने देखा मैंने इसको अटैच कर लिया और रियल टर्न जो आपने गूगल से डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको ओपन कीजिए, हाफ डुप्लेक्स पे आपने क्लिक कर लिया और पोर्ट में चले गए। यहाँ पे कॉम पोर्ट क्योंकि 3 है तो डिवाइस मैनेजर में मॉडेम में आप जाएंगे डिवाइस मैनेजर और यहाँ पर मॉडेम सैमसंग मॉडेम, इसकी प्रॉपर्टी में आप चेक करें और ये देखिए यहाँ पर कॉम पोर्ट 3 है। तो लिहाजा आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर कॉम पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप इसको चेंज करेंगे। कॉम पोर्ट नीचे पोर्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर सेम कॉम पोर्ट देकर आप चेंज का बटन राइट साइड पे दिया गया वो दबा देंगे। तो चलिए इस कमांड को आप यहाँ पर कॉपी करें, कॉपी किया और सेंड के टैब में जाकर यहाँ पर कंट्रोल वी, इस तरह कंट्रोल वी नहीं आएगा, कंट्रोल वी की मदद से आप यहाँ पर सेव कर लें और सेंड दबा दें। सेंड आ जाने के बाद दूसरा लिंक आप कॉपी करें, कॉपी किया और उसी जगह पे आप इसने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आप कोई भी वैलिड नंबर अपना नंबर देंगे, जैसा कि मैं अपना वैलिड नंबर दूंगा। और इस सेंड के बटन को दबा दूंगा। जब सेंड के बटन को दबाया तो राइट साइड पे आपके पास दो मोबाइल हैं, एक आपने कनेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप के साथ और दूसरा जिस पे आपने कॉल भेजनी है। जब कॉल आ जाएगी तो आपने उस कॉल को यस भी करना है, जैसा कि ये देखें ये मैंने यस किया और लेफ़्ट साइड पे अपने मोबाइल को लेफ़्ट स्क्रॉल करने के बाद इंटरनेट पे आप चले गए हैं। इंटरनेट पे जाने के बाद और ये गूगल आ जाने के बाद आपने एक्सेप्ट किया, नो थैंक्स किया। याद रहे बाकी का प्रोसेस आपके मोबाइल पर ही होगा और इस सर्च बार में आप लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर और इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप गूगल अकाउंट मैनेजर APK वाली साइट को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो और ये देखिए मुख्तलिफ वर्जन हैं। कोई भी वर्जन आपके सेट के साथ आपके मोबाइल के साथ कंपेटिबल हो सकता है। मैं 601 को डाउनलोड करने जा रहा हूँ, अगर ये कंपेटिबल ना हुआ तो कोई और कर लूँगा, जैसा कि लिस्ट में आपने देखी है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हूँ
जहां पर डाउनलोड। और ओके दबा दिया और ये देखिए डाउनलोड हो रही है और ये देखिए इसको ओपन दबाइए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। सेटिंग में जाकर अननोन सोर्स को इनेबल कर दीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप अपने मोबाइल में गूगल अकाउंट मैनेजर 6.0.1 को इंस्टॉल कर रहे हैं। डन कर दिया और वापस आ जाइए। इसी सर्च बार में आप फिर से लिखेंगे GOO.GL/D7RV। ये गौर से देख लीजिए ये लिंक लिख के आप हिंदी को गो का बटन दबा दें। ओके करते ओके देखिए डाउनलोड करना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर इस लिंक पे अल्ट्रा क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लम्हे वेट कीजिए, खुद ही इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग में आपके नेट पे डिपेंड है क्या स्पीड है, स्पीड बेहतर है तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। और ये लीजिए ओपन कीजिए इसको और इस अल्ब्रा क्विक शॉर्टकट मेकर को आप इंस्टॉल कर लीजिए। सेटिंग में अननोन सोर्स को एनेबल कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन कीजिए और यहां पर आप सिंपली लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर और यहां पर आप टाइप ई मेल एंड पासवर्ड वाली लाइन को तलाश करें और ट्राई का बटन दबा दें और यहाँ पर राइट साइड पे 3 डॉट्स को क्लिक करके ब्राउज साइन इन करें। ओके दबाएं और यहाँ पर आप किसी भी अकाउंट के साथ लॉगिन हो सकते हैं, जैसा कि मैं अपने अकाउंट अल्बुराग के साथ लॉगिन होने जा रहा हूँ। अपना पासवर्ड दिया और साइन इन कर दिया। और यहां पर सिंपली आप अपने मोबाइल को पावर बटन की मदद से रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट आपने कंप्लीटली तौर पे अपने मोबाइल को एक नया अकाउंट लगा दिया है, बाईपास कर लिया है। अब आप उसी अकाउंट को बैकअप एंड रीसेट में जाके रीसेट करेंगे ताकि आपके अकाउंट भी खत्म हो जाए। स्टार्टअप विजिट स्टार्ट किया और ऑलरेडी कनेक्टेड नेक्स्ट किया एग्री और ये देखिए जो आपने अभी अकाउंट दिया वो ऐड हो चुका है। आप इसको सेटिंग में जाके रिमूव कर सकते हैं, तो चलिए रिमूव करते हैं इसको। नेक्स्ट किया नॉट नो थैंक यू स्किप एनीवे और यहाँ पर डोंट रिस्टोर नेक्स्ट यहाँ पर स्किप और ये
आप अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। ये देखिए आपने अपना सैमसंग में आपको मॉडल शो करना होता है अबाउट स्क्रीन है और ये देखिए गैलेक्सी A5 2016 डिवाइस में मॉडल नंबर आपके सामने है 100 बटन 6.0.1 और सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 नवंबर 2016। तो चलिए इसको बेहतर से रिसेट कर दीजिए, फैक्ट्री डेटा रिसेट ताकि आपका ये अकाउंट ख़त्म हो जाए, रिसेट इरेज एवरीथिंग। और ये देखिए आपका मोबाइल कम्प्लीटली तौर पे रिसेट भी हो गया, कम्प्लीटली तौर पे बाईपास भी हो गया। इरेजिंग सैमसंग गैलेक्सी A5 2016 जिसको आपने बाईपास किया सक्सेसफुली बाईपास। फाइनली स्टार्टअप विजिट चलाइए, स्टार्ट किया वाईफाई की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें नो थैंक्स स्किप स्किप एंड गो। स्किप किया और नेक्स्ट के बाद इसको ले किया और पानी पी। ये देखिए आपका मोबाइल कंप्लीट तौर पर बर्बाद हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज आपको वीडियो।